कपूर खानदान की बहू बन चुकी हैं आलिया भट्ट। जी हाँ, मिसेस रणवीर आलिया भट्ट की शादी 14 अप्रैल को हो चुकी है, लेकिन शादी से जुड़े कुछ किस्से खूब सुर्खियों में बने। रणवीर आलिया की शादी में 7 नहीं सिर्फ 6 वचन लिए गए। आलिया के पिता महेश भट्ट को पंडित द्वारा दिलाए जा रहे एक वचन पर पूरी तरह से आपत्ति थी, इसलिए उन्होंने आलिया को सोच समझकर वचन देने को कहा। नतीजा ये हुआ कि शादी में 7 वचन की जगह 6 ही रह गए। ये वचन था कि आलिया अपने सारे काम पति रणवीर की रजामंदी से ही करेंगी। महेश भट्ट को इस पर आपत्ति थी और फिर क्या, उनके 6 वचन ही लिए गए। खबरों की माने तो ये वाक्य 7 फेरों और 7 वचन की रस्म के दौरान था, जब पंडित आलिया और रणवीर को 7 वचन दिलवा रहे थे। पंडित ने आलिया को 7वें वचन के बारे में बताया कि वो इस वचन के मुताबिक अपने सारे काम पति रणवीर से पूछ कर ही करेंगी। जब इस वचन की बात हुई तो महेश भट्ट ने पंडित को टोक दिया और कहा कि मैंने खुद अपनी पत्नी से ये वचन नहीं लिया और ना ही मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी भी ये वचन ले। अपने फैसलों के लिए वो हमेशा स्वतंत्र रहे। उसके बाद महेश भट्ट ने आलिया को भी समझाया कि वो सोच समझ कर फैसला ले, उसे ये वचन देना है या नहीं। आलिया ने पिता की बात मानी। जानकारी की माने तो उन्होंने बताया कि 16 अप्रैल को रिसेप्शन होने की बातें हो रही थी, मगर फिलहाल वो होती नजर नहीं आ रही हैं। आलिया और रणवीर जल्द अफ्रीका हनीमून के लिए निकलने वाले हैं। वहां से वापस आने के बाद रिसेप्शन या इंडस्ट्री गेट टुगेदर पर डिसीजन लिया जाएगा। वहीं रणवीर का भी फैसला रहा कि शादी में मेहमानों की तादाद 40 से ज्यादा ना रहे। वैसे ही हुआ, शादी में महज 38 रिश्तेदार और मेहमानों ने शिरकत की। महेश भट्ट शुक्रवार से अपने डेली रूटीन पर वापसी कर चुके हैं। सूत्रों की माने तो अगले 2 दिनों के ब्रेक के बाद वो अपने OTT डेब्यू वाले शो की शूटिंग भी करने वाले हैं। आलिया की शादी में उनके नाना और नानी भी आए थे। उनके नाना 53 साल के और नानी 90 साल की हैं। दोनों को व्हीलचेयर पर लाया गया। आलिया की मासी जर्मनी से आई, उन्होंने भी आलिया और रणवीर को आशीर्वाद दिया। शादी के बाद आलिया और रणवीर के ढेर सारे फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनको लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। वेल, दुल्हन बनी आलिया का लुक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इंतजार खत्म, आज वो दिन आ ही गया जब बॉलीवुड के सबसे क्यूट कपल रणवीर कपूर और आलिया भट्ट शादी करने जा रहे हैं। दोनों की शादी के चर्चे महीनों से हो रहे थे और आखिरकार आज इंतजार खत्म हो गया है। 13 अप्रैल को दोनों की मेहंदी सेरेमनी थी, जिसमें करीना कपूर, करिश्मा कपूर से लेकर पूजा भट्ट तक ने शिरकत की थी। और आज रणवीर और आलिया शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। दोनों की शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और बस अब एक एक झलक देखने का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। हर कोई आलिया भट्ट को लेकर तरह तरह की इमेज बना रहा है अपने दिमाग में कि आलिया भट्ट कैसी लगेंगी। ऐसे में आलिया भट्ट को दुल्हन के रूप में देखने के लिए हर कोई एक्साइटेड है। अभी तक फिल्मी पर्दे पर आलिया को कई बार दुल्हन के रूप में देखा गया। दुल्हन बनने के बाद आलिया बेहद खूबसूरत लगती हैं। उनका ब्राइडल लुक ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। फिल्म राजी में आलिया भट्ट की एक्टिंग ने सभी का दिल जीत लिया था। इस फिल्म में आलिया को दुल्हन के रूप में देखा गया था। साड़ी और लहंगा लुक दोनों में ही आलिया बहुत खूबसूरत लग रही थी। उनका लुक कई लोगों ने कॉपी किया था। फिल्म टू स्टेट में साड़ी और बालों में गजरा लगाकर जूड़ा बनाए आलिया से नजर हटाना मुश्किल हो गया था। आलिया का ये ब्राइडल लुक बहुत सुंदर लग रहा था और हो सकता है कि इस बार वो अपनी शादी में कुछ ऐसा ही लुक रखने वाली है। वेल, कुछ ही घंटे की बात है जब आलिया भट्ट का ये ब्राइडल लुक आप सब देखने वाले हैं। फिल्म कलंक में आलिया को एक खूबसूरत दुल्हन के रूप में देखा गया था। आलिया अपनी शादी में कुछ इस तरह का ब्राइडल लुक भी कैरी कर सकती हैं। वाकई बहुत खूबसूरत और सबसे अलग हट के लुक आलिया रखने वाली है। फिल्म बद्री की दुल्हनिया में आलिया पिंक लहंगा पहने बेहद खूबसूरत लगी थी। आलिया पर लहंगा बहुत जचता है और आज आलिया लहंगा पहनकर कातिलाना अदाएं दिखाकर सबको घायल करने वाली हैं। हर कोई वो टाइम का इंतजार कर रहा है जब आलिया भट्ट लाल जोड़े में सबके सामने आएंगी। आलिया की शादी का लुक भी ऐसा ही कुछ हो सकता है। फिल्म हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया में आंखों पर काला चश्मा लगाए आलिया गजब की लग रही थी। पिंक लहंगा पहने आलिया बेहद स्टाइलिश लुक दिख रही थी। हो सकता है कि आलिया कुछ ऐसे ही एंट्री मारे आज अपनी शादी में, क्योंकि आज आलिया के लिए बहुत खास दिन है और बहुत कुछ आलिया के लिए लोग सोच रहे हैं।
कई एड्स में भी आलिया भट्ट को शादी के जोड़े में और ब्राइडल लुक में देखा गया था। लाल जोड़ा और माथे पर बड़ा सा टीका आलिया की खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था और सबसे ज्यादा ये लुक बहुत पसंद किया जा रहा है। इस फोटो को देखकर बिल्कुल ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि ये लुक आलिया की शादी का ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि वाकई ये आलिया की रियल शादी का ही लुक है। और हो सकता है कि आलिया भट्ट कुछ अलग दिखने के लिए लाल लहंगे को अवॉइड करें, उसके बजाय कोई लाइट शेड का लहंगा भी पहन के नजर आ सकती हैं। तो ऐसा कलर भी उन पर खूब खिलने वाला। आलिया ऑफ वाइट लहंगे में किसी अफसरा से कम नहीं लगती हैं। पहले इतने ढेर सारे लुक्स की इमेज बन चुकी है और कब कैसे आलिया सबके सामने आने वाली है, बस एक एक पल का इंतजार किया जा रहा है। और आलिया के साथ रणवीर को लेकर भी खूब चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि रणवीर के फैन भी बहुत हैं। हो सकता है कि रणवीर भी सबको घायल करने के लिए एकदम खास एंट्री में आने वाले हैं। तो आपने इनके लुक को लेकर क्या सोचा है, क्या होने वाला है, कुछ ही पल में पता चलने वाला है। वेल, आपकी नजर आलिया और रणवीर की शादी पर जरूर बनी होगी, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। पवन अरु के फैंस अब तैयार हो जाएं, क्योंकि आप थक जाएंगे लेकिन पवन अरु की मौज मस्ती खत्म होने वाली नहीं है। हर रोज ये मौज मस्ती करके ही अपना काम पूरा करते हैं। कुछ देर मस्ती चलती है और कुछ देर काम चलता है, जिससे इनका पूरा वक्त निकल जाता है। इस वक्त सुपरस्टार सिंगर 2 के सेट पर ये कई सारे बच्चों के साथ अपना वक्त बिता रहे हैं। ऐसे में पवन अरु तो मौज मस्ती का कोई भी मौका खाली नहीं जाने दे रहे हैं। अब फिर से पवन अरु की एक मजेदार वीडियो सामने आ गई है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं जब ये कपिल के सेट पर गए थे और यहाँ इन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के बाद ऑडियंस का खूब एंटरटेनमेंट किया। उसके बाद कपिल के शो से इनके बैक स्टेज वीडियो भी सामने आई है, जो यहाँ एक वीडियो में दिखाया जा रहा है कि पवन अरु, दानिश आले, सलमान और कुछ बच्चे भी हैं जो कपिल के शो में पवन अरु के साथ परफॉर्मेंस देते नजर आए थे। ये सब के सब एक रूम में बैठे मौज मस्ती कर रहे हैं, जबकि सेट पर कपिल की शूटिंग चल रही है और सेट के पीछे ये सब एक दूसरे के साथ हंसी ठहाके लगा रहे हैं। जहाँ पवन खड़े होकर गिटार बजा रहे हैं, तो वहीं साइली और अरुणिता एक दूसरे से गप्पे लड़ा रही हैं और सलमान और दानिश फोन में बिजी हैं, जबकि वो बच्चे कुछ खाते दिख रहे हैं। उसके बाद इनके रूम में कृष्णा अभिषेक की एंट्री होती है और कृष्णा अभिषेक से पवन गले लगकर मिलते हैं, इन्हें भी अपनी मस्ती में शामिल कर लेते हैं। इतना ही नहीं, सुपरस्टार सिंगर 2 के सेट से भी एक वीडियो सामने आई है जब इन कैप्टन को सेट पर एंट्री करते देखा जाता है। ये सब के सब कूदते नाचते गाते हुए एंट्री करते हैं। दानिश और सलमान तो छलांग मारते हुए एंट्री करते हैं, और जबकि पवन गाना गाते हुए नजर आ रहे हैं और अरुणिता वही पागलपन वाली चुलबुली हरकतें करते हुए एंट्री करती हैं। अरुणिता को ना जाने क्या हो जाता है कि कभी कभी उनका खुद के पैर हाथ पर काबू नहीं रहता है। वो कैमरा देख कर बहुत क्यूट और प्यारे एक्सप्रेशन दे रही हैं, जो बहुत पसंद किए जा रहे हैं। तो आप सब अरुणिता की मौज मस्ती और अजीब गजीब हरकतें देखने के लिए तैयार हैं कि नहीं?